यानी कल का हमारा जो टॉपिक था उसमें क्या था कि जो भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, अगर उसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हों, यानी नॉन मेटल्स हों, तो उनमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर डेवलप हो जाता है। कल मैंने आपको उसका क्वेश्चन भी कराया था कि किसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होंगे किसमें कम होंगे, कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक करेक्टर आ जाता है। उसी तरह से आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर भी आ जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि पार्शियल कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो ये आता क्यों है, पहले बात हम इसी बात पे डिस्कशन कर लें कि क्यों ऐसा हो जाता है। सपोज एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ये कैटायन है और ये एनायन है, ठीक है, ये ए प्लस है और ये बी माइनस है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि कैटायन को ऐसा होना चाहिए और एनायन को इस तरह से होना चाहिए। बट एक्चुअल होता क्या है कि कटायन पे जो चार्ज है, मतलब कटायन क्या करता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके चारों तरफ जो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन को हम सिमेट्रिक एक क्लाउड के फॉर्म में मानते हैं। तो यानी अभी क्या है कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब सिमेट्रिक है, यानी जितना ये निगेटिव है ये निगेटिव, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन चार्ज है निगेटिव चार्ज है वो पूरे तरफ ऐसे सिमेट्रिक है। लेकिन जब कैटायन यहाँ प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा कि इसके तो जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इसका शेप है एनायन का ये डिफॉर्म हो जाता है। नॉर्मल होना ऐसा चाहिए था बट हो कैसा जाता है, ए प्लस, और ये एनायन का साइज थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हमने थोड़ा पास पास बना दिया है, इसे समझ लो कि ये ए प्लस है और ये बी माइनस है, इनके बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसने क्या किया है, इसके इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये जो एनायन है ये कैटायन है और ये एनायन है, और ये कैसा बॉन्ड है, ये आयनिक कंपाउंड है, हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैटायन इसको अट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो नॉर्मल सिमेट्रिक था किसका, एनायन का, वो अभी कैसा हो गया, डिफॉर्म हो जाएगा। और डिफॉर्म होने से क्या होगा, यहाँ डायपोल एक तरीके से मेंटेन हो जाएगा और इसके जो नेगेटिव चार्ज वाले एनायन है पार्ट वो सब पूरा इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन हो गया क्योंकि इसका सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जब इधर इकट्ठा हो जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो इधर हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो ये क्या क्या बन गया, ये डायपोल बन गया, या हमने क्या कहा इसका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है। मतलब एनायन डायपोल में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन हो गया। किसके कारण हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन के कारण हो गया। और जब इसमें ये पोलराइजेशन हो गया यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयर्ड पेयर की तरह यहाँ पे काम करने लगे इन दोनों के बीच में, तो ये कैसा करेक्टर आ गया, आयनिक बॉन्ड था लेकिन इनके बीच में कोवलेंट करेक्टर आ गया। और ये कोवलेंट करेक्टर किस चीज पे डिपेंड किया, ये कोवलेंट करेक्टर डिपेंड करता है एक तो एनायन के साइज पर, और एनायन कितना डिफॉर्म होता है, कम डिफॉर्म होता है या ज्यादा डिफॉर्म होता है उस पर, और तीसरा फैक्टर ये है कि इसकी पोलराइजेशन पावर पर, कि कैटायन की पोलराइजेशन पावर कितनी है। पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करने की क्षमता, उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में ये कहेंगे पोलराइजेशन पावर। क्लियर बात हो गई ना, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो जितनी क्षमता से खींचेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन पावर कहेंगे। और जितना इसको डिफॉर्म कर, जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजेशन पावर होगी उतना ही ज्यादा ये इस एनायन को डिफॉर्म कर देगा। और ये जो कोवलेंट करेक्टर है वो डिपेंड इन्हीं तीन चीजों पे करता है, एक तो इस कैटायन की पोलराइजेशन पावर यानी ये कितना इसको पोलराइज कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है, पोलराइजेशन पावर। दूसरा, इसकी पोलराइजेशन कितना होता है एनायन का, तो एनायन के पोलराइजेशन पर, और एनायन कितना डिफॉर्म होता है, इस तीनों बातों पर ये डिपेंड करता है। इसी चीज को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था ये पूरा फिनोमेना, ये साइंटिस्ट को बोलते हैं फजान, मतलब
सोडी एंड फजान्ते इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि हर आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट करेक्टर होता है। जिस तरीके से जो कोवलेंट बॉन्ड है उनमें आयनिक करेक्टर आ जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसी तरह से हर आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर भी आ जाता है। और ये कोवलेंट करेक्टर के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए थे। वो क्या नियम है, मतलब फजान्स रूल क्या है, फजान्स रूल के टर्म में हम इसको पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, जेई मेंस वगैरह में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फजान्स रूल पर भी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम फजान्स रूल डिस्कस करेंगे। तो फजान्स रूल ये कहता है कि कटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो फर्स्ट वन इज द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन greater will be the covalent character. Covalent character of molecule of ionic bond है ना। Then second one हुआ कि अगर cation का charge ठीक है, ध्यान दीजिए पहली बात किस चीज पे डिपेंड करती है, कैटाइन के साइज पर। क्यों, देखो ध्यान से, कैटाइन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। सपोज यही कैटाइन बड़ा होता, अगर बड़ा होता तो इसका चार्ज इतने एरिया में फैला होता, और बड़ा होगा तो चार्ज और बड़े एरिया में फैल जाएगा। चार्ज जितना छोटा होगा कम जगह में कंसंट्रेटेड होगा, कम जगह में कंसंट्रेटेड होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और एटम का साइज बढ़ जाएगा तो चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह में फैल जाएगा, ज्यादा जगह में फैल जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे समझ में आ रहा होगा, छोटा साइज है तो चार्ज कम जगह में कंसंट्रेटेड हो गया तो छोटे कैटायन की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा हो गया, इसलिए ये इसको ज्यादा पोलराइज करेगा। अगर हम इन तीनों में सपोज ये ए ए ए प्लस है और ये ए प्लस है और ये बी माइनस, हमने इसको पी प्लस मान लिया और इसको क्यू प्लस मान लिया, ठीक है। तो ए प्लस पी प्लस और क्यू प्लस में, मतलब इस तरीके का आपसे क्वेश्चन हो सकता है, हम तो एक सिंपल से एग्जांपल देकर के आपको बस समझा रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि इन तीनों आयन में यानी जो तीनों कैटायन है, इन तीनों कैटायन में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन की एबिलिटी किस में होगी, पोलराइजिंग की पावर किस में होगी, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा एनायन का, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इन तीनों में कौन कर देंगे, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन वो कर देगा जिसका साइज छोटा होगा, जिस पर इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो इसका साइज छोटा है, कम चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे भी एक है, इस पे भी एक है और इस पे भी एक है, पर इसका कम एरिया में कंसंट्रेटेड है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसका रहेगा, इसका रहेगा, ये सबसे ज्यादा एबिलिटी। तो ये वाली बात यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखी है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। अब कैटायन के चार्ज की बात आती है तो वही बात आती है, कैटायन पे अगर चार्ज ज्यादा होगा, सपोज एक है ए प्लस चार्ज वाला कैटायन और इसी से सपोज एक बन गया ए टू प्लस चार्ज वाला कैटायन, तो अब इन दोनों का कंपेरिजन हो तो इन दोनों में ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसमें होगी, कौन ज्यादा पोलराइज कर देगा, तो जिस कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा उसको पोलराइज कर देगा। तो देन नेक्स्ट है कैटायन चार्ज, तो ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर एंड कोवलेंट करेक्टर।
यानी जितना पोलराइज ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटायन एंड ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक वॉल्ट, देन थर्ड वन है फैक्टर आयनिक के लिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर दो कैटायन है और उनपे सेम चार्ज है तो वो कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से मिलता जुलता होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा हम मिटा रहे हैं, इफ टू कैटायंस हैव सेम चार्ज देन द कैटायन विद द एन माइनस वन डी जीरो एन एस जीरो कन्फिगुरेशन, ठीक है। या हम इसी को कह सकते हैं नोबल गैस स्यूडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन, नोबल गैस जैसा झूठा कन्फिगुरेशन है, विल हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन। नेक्स्ट वन है साइज ऑफ एनायन, ये तो तीनों हो गई कैटायन की प्रॉपर्टीज कोवेलेंट करेक्टर में, ठीक है। चार हो गए और पांच ये कैटायन सॉरी एनायन के पर डिपेंड करेगी, तो एनायन का साइज पर डिपेंड करेगी। तो साइज ऑफ एनायन, जिस एनायन का साइज ज्यादा होगा वो जल्दी पोलराइज हो जाएगा। लार्जर द साइज ऑफ एनायन इजीली विल पोलराइज, इजीली पोलराइज हो जाएगा। इसको सिंपल से ऐसे समझ लो कि एक एनायन ये है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज ये है, और एक एनायन ये है प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब यहाँ देखो, ये प्लस चार्ज से ये माइनस चार्ज एकदम पास है, तो ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को पकड़ करके रखेगा, लेकिन इस एनायन के केस में क्या हो रहा है, माइनस चार्ज न्यूक्लियस के पकड़ के थोड़ा दूर हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है तो इफेक्ट कम हो जाता है ना न्यूक्लियस का, तो ये क्या है स्मॉलर एनायन है और ये लार्जर एनायन है। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, कौन जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा, कैटायन किसको जल्दी डिफॉर्म कर देगा। अब सपोज सेम कैटायन दोनों को डिफॉर्म करने के लिए आया, यानी इन दोनों कैटायन, इन दोनों एनायन के पास एक कैटायन आया ए प्लस। अब ये ए प्लस चार्ज वाला कैटायन इसको जल्दी डिफॉर्म कर पाएगा कि इसको कर पाएगा, किसको कर पाएगा, जो जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हुआ फैला हुआ होगा उसको ये जल्दी डिफॉर्म कर देगा, क्योंकि जो बड़ा साइज का एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पकड़ से थोड़ा दूर है तो जल्दी डिफॉर्म हो सकता है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियस के पकड़ में है क्योंकि छोटा साइज है, यहाँ इफेक्ट न्यूक्लियस का ज्यादा है तो जल्दी डिफॉर्म नहीं हो पाएगा। वही चीज है यहाँ पर, क्या है, लार्जर द साइज ऑफ एनायन इजीली विल पोलराइज द पोलर इजी
विल पोलराइज, ठीक है, जल्दी पोलराइज हो जाएगा। जल्दी पोलराइज हो जाएगा तो मतलब उसी कंपाउंड में जिसका एनायन बड़ा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट वन है चार्ज ऑन एनायन, अगर एनायन पे ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। सपोज दो एनायन है यहाँ पर, एक ये वाला और एक ऐसा है जिस पे दो माइनस चार्ज है और एक ये है जिस पर तीन माइनस चार्ज है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जल्दी पोलराइज हो जाएगा, सपोज ये एक दूसरा कैटायन आ गया यहाँ पे क्यू, ये आ गया इसको पोलराइज करने के लिए तीनों को, तो इन तीनों को सबसे पहले कौन, मतलब सबसे जल्दी कौन पोलराइज हो जाएगा तीनों में से, क्योंकि तीन माइनस चार्ज वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे अकेला एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस तो खींच रहा है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो सामने वाले के लिए इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे तीन निगेटिव चार्ज हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे तो रिपल्सन इनका आपस का होगा, तो इनको पोलराइज होना, पोलराइज करना कैटायन के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी एनायन पे जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा। सो चार्ज ऑन एनायन क्या कहता है, ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन इन एनायन, है ना, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन इन तो बच्चों ये कहानी है इसके फजान्स रूल की, ठीक है। फजान्स रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके 11th में भी आ सकते हैं, आपके जेईई मेंस वगैरह में भी आ सकते हैं। ये यानी कोवेलेंट करेक्टर का क्या फर्क पड़ता है मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, देखिए अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, ये एक तो ये चीज याद रखिए कि जब भी कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है तो आयनिक करेक्टर कम हो जाता है। कहीं पर भी अगर आपसे कहा जाए कि इनको इनको कोवेलेंट करेक्टर के बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाइए, तो जो कोवेलेंट करेक्टर की आप एनालिसिस करेंगे कि किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, उसमें ये सारे फैक्टर जो आपने अभी पढ़े इनको ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करेंगे कि किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा किसका कम होगा। फिर इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ता है वो भी देखना। अगर किसी मॉलिक्यूल का कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है तो उसका आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर असर होता है, सॉल्युबिलिटी पर भी असर होता है। ये एनालिसिस आप, ये जब अगर आपको फजान्स रूल पता है तो आप ये एनालिसिस करके इजीली जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, कोवेलेंट करेक्टर ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बढ़ता है, ठीक है ना, तो आयनिक करेक्टर मतलब अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा। ध्यान रखिए उल्टा रिलेशन है, जैसा आपने पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम है, एक ताकतवर होगा तो दूसरा कमजोर हो जाएगा। तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा, आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर
कम हो जाएगा। तो हम ये मानकर अभी चल रहे हैं कि ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर, इसका मतलब आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि आयनिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और कम वाले का, इसका कोवेलेंट वाले का कम होगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर वाले का विल बी लेस। अगर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट मोर हो जाएगा, या हम कहें इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे कंपैरिजन करने के लिए आ गया कि दो एक जैसे कंपाउंड दे दिए, आपसे कहा गया इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो अगर वो आयनिक बॉन्ड है तो उसमें आप ये देखेंगे कि कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, अभी आपने इतने सारे फैक्टर पढ़े हैं उनके बेस पर आप बता सकते हैं कि इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों पर लागू होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेंगे तो कोवेलेंट करेक्टर जिस पर ज्यादा होगा, यानी जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड है वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। अब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनकी डिक्रीज हो जाएगी, किनकी, आयनिक वालों की। आयनिक करेक्टर, सॉरी, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज, और हम कहेंगे इसकी ग्रेटर होगी आयनिक करेक्टर वाले की, और जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी लेसर होगी। ठीक है, तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं। सपोज आपसे हम ये पूछ दें कि AgNO3 एंड KNO3, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको सिंपली, AgNO3 एंड KNO3 है, इसमें हमने आपसे पूछ दिया विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए बताइए कैसे बताएंगे, किसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्या देखेंगे, जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका कम हो जाएगा, है ना। अब पहले तो ये देखो AgNO3 KNO3 ये आपको मिस दिया गया है, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, एनायन दोनों में सेम है, NO3- दोनों में सेम है, तो एनायन के साइज वाला फैक्टर यानी दो पॉइंट पे तो देखोगे नहीं आप, देखोगे कैटायन के आगे के जो तीन पॉइंट है उनको दिमाग में रखते हुए एनालिसिस करोगे। ये है Ag+ और ये है K+। तो अब K+ और Ag+ में कैटायन पे चार्ज तो दोनों पे बराबर है, जब कैटायन दोनों पे चार्ज बराबर होता है तो हम क्या देखते हैं, हम उनका कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। उस समय कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं, जिस पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो उसका, पढ़ा था ना आपने, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है। तो इसमें Ag+ का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों आगरा आयो वाली फैमिली का है ना ये, क्यों आगरा आयो, तो क्यों आगरा आयो वाले सबके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये प्लस प्लस चार्ज वाले हैं तो इसके पास 3d10 होता है, इसका 4d10 हो जाएगा और इसका 5d10 हो जाएगा। तो ये सभी आयन और धन कडमर ये वाले आए, ये सभी कैसे होंगे, इनकी पोलराइजेशन की पावर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इनका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है Ag+ का, तो इसकी पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी Ag+ की।
तो ये चीज कहाँ से आपने एनालिसिस किया? अगर आपको फजान्स का रूल याद होगा तब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे जो दिए गए हैं, ठीक है? तो इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा एजी प्लस का, इसका मतलब यहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गया, क्योंकि एनायन तो दोनों में सेम है, तो यहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से सपोज हम आपसे पूछ दें कि NaCl और CuCl में किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया, NaCl एंड CuCl विच हैज ग्रेटर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ये आ गया, ठीक? अब आप फिर देखो ध्यान से, एनालिसिस करके देखिए। एनालिसिस करेंगे तो ये Cl तो दोनों में बराबर है, मतलब एनायन का साइज तो दोनों में बराबर है और चार्ज भी दोनों में बराबर है, तो इसका तो असर पड़ेगा नहीं है। किसका असर पड़ेगा? एक है Na प्लस और एक है Cu प्लस। अब आप अगर इसको देखो, अगर आपको याद है क्यों आगरा आयोजन कटबर में Cu प्लस का देखो कौन सा कंफिगुरेशन हो जाएगा, ये 3D10 कंफिगुरेशन वाला है, यानी नोबल गैस जैसा कंफिगुरेशन है इसका। चार्ज भले बराबर है, दोनों सेम के है ना, ये चार्ज भले ही इनके बराबर है लेकिन नोबल गैस कंफिगुरेशन वाला है ये, तो ये ज्यादा पोलराइज कर देगा, ज्यादा पोलराइज कर देगा, मतलब इसमें कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा पोलराइज कर देगा सीएल को, तो कोवेलेंट करेक्टर हो जाएगा सीएल में, ये सीयूसीएल में ज्यादा हो जाएगा कोवेलेंट करेक्टर, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो डिक्रीज हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा किसका होगा, NaCl का ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गया, कोवेलेंट करेक्टर जैसे ही बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इस तरह से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सपोज इसी में हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा वो पानी में कम सॉल्युबल होगा, यानी कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी पानी में डिक्रीज हो जाती है, यही वाली बात लिखी है। तो अगर इन दोनों को आप देखेंगे, NaCl को और CuCl को, ठीक है, NaCl और CuCl में आप देखिए नोबल गैस कंफिगुरेशन है, नोबल गैस कंफिगुरेशन है इसका, तो फिर क्या हुआ, पोलराइजेशन इसकी ज्यादा है, यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा है, इसका पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कोवेलेंट करेक्टर यहाँ ज्यादा बढ़ गया, कोवेलेंट करेक्टर यहाँ ज्यादा बढ़ गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी पानी में ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये कम सॉल्युबल होगा। क्लियर हो गई बात? इन दोनों को अगर देखें, AgNO3 KNO3 को, कि पानी में कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये देखो जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा वो पानी में कम सॉल्युबल होगा, किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, AgNO3 सिल्वर का, कौन सा है, ये वाला नोबल गैस कंफिगुरेशन है तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, ये ज्यादा पोलराइज कर देगा NO3 को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम डिजोल्व होगा पानी में और ये ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा पानी में, ठीक है? इसी तरह से अगर आपसे पूछ दें कि FeCl3 और FeCl2 विच विल बी मोर सॉल्युबल, पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो इसको आप दो तरीके से, एक तो फजान्स के रूल से निकाल लो कि नेगेटिव यानी जो Cl है एनायन उसका क्लाउड Cl3 है, वहां भी Cl3 है बराबर है, Fe यहाँ पर Fe से अंतर आ रहा है, ये है Fe3+ और यहाँ पर है Fe2+, ठीक है? तो जब एनायन सेम है तो अंतर किससे आएगा, कैटायन से आएगा, कैटायन छोटा और कम साइज वाला, ये जो जिस पर ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा पोलराइज कर देगा, यानी ये जो Fe3+ है ये साइज में भी छोटा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इस पर ज्यादा है,
तो नेगेटिव चार्ज के आयन को ज्यादा पोलराइज कर देगा, ज्यादा पोलराइज कर देगा, मतलब इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, और इसमें जब इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो फिर इसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इससे इसका कोवेलेंट करेक्टर कम होगा क्योंकि इसका चार्ज कम है आयन पे, तो इसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है इसका मतलब कम सोल्युबल होगा पानी में और ये ज्यादा सोल्युबल होगा। ठीक है, इस पे भी ध्यान देना, जिसका अगर मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया, थोड़ा ध्यान दे देना कहीं बाय चांस। ये AgNO3 कैसा है, ये वाला का है ना, ये ज्यादा पोलराइज करेगा, मतलब यहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का कम होगा और पानी में भी ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर है ना। चलिए एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, Cu2O और Cu2S, इसमें हमें बताना है कि पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक, क्या क्वेश्चन आ गया आपके लिए एक और नया, विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, Cu2S, Cu2O। लगाओ दिमाग, Cu, Cu आयन यानी कटायन तो दोनों में सेम है, यहाँ पे अंतर किससे आएगा, सॉल्युबिलिटी में अंतर किससे आएगा, कटायन तो दोनों में सेम है, यहाँ पे सल्फाइड आयन है 2-, यहाँ पे ऑक्साइड आयन है 2-, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो फैमिली में जब हम चलेंगे तो एनायन का साइज किसका बड़ा होगा, एनायन का साइज सल्फर का बड़ा होगा। तो आपने क्या पढ़ा अभी फजांस रूल में, जो एनायन साइज में बड़ा होता है वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, यानी उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑक्साइड एनायन में और सल्फाइड के एनायन में कौन ज्यादा जल्दी पोलराइज हो जाएगा, सल्फाइड जल्दी पोलराइज हो जाएगा, यानी कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा होगा, Cu2S में ज्यादा होगा, Cu2S में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो वो पानी में कम सोल्युबल होगा, यानी पानी में ज्यादा सोल्युबल कौन होगा, तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर कम है, यानी कि Cu2O। इस तरह से आपको ये फजांस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर निकालने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जेई मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th में चाहे उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है इससे, ऐसे फजांस रूल करके बहुत कम आता है, हाँ फिर भी ऐसे तो पूछा जी जा सकता है कि